ये देखिए जब ये रोड के ऊपर जब वो क्रेन से सफाई कर रहे हैं, और अभी ये भी तैयार हो रहा है। तो इस तरह करते करते जो है ये बर्फ को जाके साइड पे रख देंगे। एक तो मैंने ये ग्लव्स पहने हुए, तो जूम इन जूम आउट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, एक हाथ से फोन ही पकड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? तो अभी जो है तकरीबन 9:30 हुए हैं, और मेरी जो आँख है वो अभी अभी खुली है, बकाया जो सब है वो अभी तक सो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ज़रा उठ के बाहर की जो हालत है वो देखता हूँ कि क्या हालात चल रहे हैं। बाहर तो जनाब फुल स्नो फॉलिंग जो है ना हो रही है, और जो रोड्स रात को साफ थी वो भी सारी बर्फ में कवर्ड है। और ये जो क्रेन है, ओए ये क्या कर रहा है बर्फ में, किधर गया? ये कितने आराम से खड़ा है। खैर भी तो सब सो रहे हैं, तो जब हम फ्रेश होते हैं उठते हैं फिर आपसे मज़ीद जो है ना बात करते हैं। तो आज जो है सुबह है हमारे 4th डे की, और अभी जो है फ़िलहाल बाहर स्नो फॉलिंग हो रही है, और हम सारे जो वो तैयार हो चुके हैं। और अभी टाइम जो है वो भी तकरीबन 11 बजे हैं। तो अभी जो है हमारी कोशिश ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना यहाँ से निकलें, ताकि क्योंकि आधे घंटे का रास्ता ये जो कि बर्फ़ वाला है, मरी मरी के अंदर जो है ना इतनी खास बर्फ़ नहीं है। तो कोशिश यही है कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकलें, और जो बर्फ़ वाला एरिया ना उससे एटलीस्ट जो है ना हम बाहर निकल जाएँ, ताकि फिर आगे जो हमारा ट्रिप है वो ज़रा सेफ़ हो जाए। तो आज जो है वो गर्म पानी भी अवेलेबल था हमारे पास, जो केटल थी हम लेके आए थे। तो लेकिन ये कि जितनी यहाँ पे सर्दी है, माइनस में चल रहा है टेम्परेचर, तो मुंह धोने की जो है ना वो हिम्मत नहीं हो रही है। तो अभी हम रूम से बाहर निकलने वाले हैं, और देखते हैं कि बाहर क्या सीन है। तो अभी जो है तकरीबन थोड़ी बहुत ट्रैफिक हल्की फुल्की चल रही है, और एक बंदा भी वहाँ पर है जो चेन वगैरह लगा रहा है इसको गाड़ी को, ताकि गाड़ी के जो रोड ग्रिप है वो ज़रा इम्प्रूव हो जाए। तो यहाँ पे लोग काफ़ी सारे हम लगा देते हैं पैसे लेके ना, तो अभी हम भी ज़रा बाहर जाएंगे, उनसे बात वगैरह करेंगे, तो फिर हम लोग जो है ना निकलने की कोशिश करेंगे। फाइनली जी वी आर एग्जिटिंग द रूम, और बाहर जो है फुल जोर से स्नो फॉलिंग हो रही है। जो है हमने बाहर जाके कोई बंदा ढूंढना है जो गाड़ियों को जो है चेन वगैरह चढ़ा दे, ताकि गाड़ी की जो है वो कोई ग्रिप बन जाए। तो लकली जो है हमें गाड़ी के ओ सॉरी होटल के अंदर से जो है ना बंदा मिल गया था, और वो बता रहा है कि 4,000 लेगा चेन चढ़ाने के। ये जनाब रोड्स की सूरत हाल है, तो देखते हैं अब क्या बनता है। जो चेन वाले भाई थे पहले, उन्होंने मांगे थे 4,000, लेकिन ये हमारे यहाँ पुलिस में है। हाँ जी, ये हमारे पुलिस के जो अहलकार है ना यहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ASI माशाल्लाह ही हैं, बड़ा हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी 1500 से ऊपर नहीं देना, बल्कि उन्होंने खुद हमें अरेंज करके दिया। तो बड़ा अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, वेरी नाइस। इतने खतरनाक मौसम में आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहरबानी जनाब आपकी। तो बकाया ये है कि वो अब हमें ड्रॉप करके आएगा नीचे तक, तो फिर आगे देखते हैं क्या बनता है। हिम्मत ख़त्म हो गई है बर्फ़ में फिरने की, ये इन्होंने चेन लगाई है, ये सामान का हाल है। तो
जी अभी जो है हमने चेन्स वगैरह चढ़ा के गाड़ी में हम बैठ गए हैं, और क्योंकि जो चेन वाले भाई हैं हमारे, भाईजान जी जी, ये हमारे साथ ही बैठे हैं। कहाँ से? अमरी से, इधर से? हम यूबिया से। यूबिया से ही है जी जी। ठीक होगा। कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये हमारा डेली का काम होता है जब स्नो फॉलिंग होती है, नहीं तो आप रेस्टोरेंट का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो डेली कितनी कितनी गाड़ियों को आप लगाते हैं इस अंदाज़? एक ही होती है, कौन सा ज़्यादा होती है। सही 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 सही, ठीक हो गया। तो अभी क्योंकि हम गाड़ी में 6 लोग बैठे हुए हैं और ये भाई साहब मेरी गोदी में बैठे हुए हैं, तो जब तक जहाँ तक स्नोफॉल है वहाँ तक जो हमें ड्रॉप करेंगे भाई, क्योंकि उनको चेन वगैरह वापस करनी है, तो उसके बाद फिर हम जो अपना सफ़र जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। बकाया रोड्स का जो है वो ये सीन है कि बहुत हैवी स्नोफॉल हो रही है और रोड्स जो हैं वो इस वक्त फुल जो है ना बर्फ़ से भरी हुई हैं, और मेरा ख्याल है कि आगे वो क्रेन भी जो है रोड वगैरह को साफ़ कर रहे हैं। तो अभी शुक्र एक प्लस पॉइंट मिल गया कि हमारे आगे जो है क्रेन है जो कि रोड को साफ़ कर रही है, और नहीं हमारे लिए है। और विजिबल जो है ना वो फ़र्क नज़र आ रहा है आप लोगों को भी कि यहाँ पे ज़्यादा स्नो है इस तरफ, और इस तरफ जो है कम स्नो है। तो अभी हमारा यही प्लान है कि हम इसके पीछे पीछे जो है ना एंड तक जाते रहें, जहाँ तक ये लेके जा सकता है हमें, या फिर जहाँ तक जो है ये सफाई करेगा वहाँ तक जो है हम इसको फॉलो करेंगे। ये जी स्नो फॉल की सूरत हाल है। Hello. और मैं वो पीछे फंसा हुआ हूँ ना, इन केस इफ यू कैन सी मी। चलो ठीक है। तो अभी जो है हम फिर से रुके हैं क्योंकि यहाँ पे वो जो गाड़ी की चेन्स थी वो टाइट करने वाली थी, तो वो बंदा टाइट कर रहा है और स्टिल जो है ये स्नो फॉलिंग यहाँ पे हो रही है बहुत सारी। हम रास्ते में ही हैं और यहाँ पे देखें फॉग जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बारिश जो है ना वो हो रही है शायद, नहीं फिलहाल स्नो फॉल ही है, लेकिन स्नो की उतनी इंटेंसिटी नहीं है कि हाथ पे स्टे करें, मतलब फौरन मेल्ट हो रही है। सो स्टिल वी आर ट्राइंग टू गो ऑन द डाउन साइड, तो इंशाल्लाह जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमने काफ़ी जगह स्टे किया था रास्ते में आते हुए नीचे की तरफ, तो हमारे आगे जो क्रेन था वो हमसे काफ़ी आगे जा चुका था। तो अभी हम लोग तकरीबन जो एक्सप्रेस वे है इस्लामाबाद का उसके पास हैं, जो क्रेन है वहाँ से वो नहीं नहीं एक्सप्रेस वे के पास ही है ना, तो क्रेन जो है वो आगे से आ रहा है सफाई करते हुए वापस की तरफ, नथिया गली की तरफ जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो काम हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत अच्छा जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही हैं, और स्टिल जो है स्नो फॉलिंग अभी तक हो रही है। मेरे मुँह पर सारी आ रही है, बंद कर दो यार उसको सनरूफ। मेरे ख्याल से ये लोग जो है साथ अपने घर लेके जाएंगे बर्फ़ जो उन्हें इतनी मेहनत से जमा की हुई है। अब हमजा भाई और शाहजेब भाई जो हैं बाहर निकल गए हैं, अब पता नहीं ये बाहर जाके फ़ोटो शूट करेंगे कि क्या करेंगे। ये देखें गाड़ियों को कितना प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर चलते हुए, तो काइंडली बी सेफ और इस तरह के मौसम में जो है ना आने से अवॉइड करें। क्योंकि जो रास्ता वो थोड़ा स्लोपी है तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना एहतियात करें। एक मिनट बना रहा हूँ, स्लो मोशन है, ऑन होगा स्लो मोशन। 1 2 3 हो हमजा भाई को तुमने बड़ा मारा है और ये अब मुझे मारने के चक्करों में है।
मेरे पास भी असला यार है। खाली हाथ है, इसके पीछे कुछ है, इसके पास कुछ है। बन रहा व्लॉग? जी जी बन रहा है व्लॉग। तो अभी जो है हम एक्सप्रेस वे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे भी क्रैश काफ़ी था, तो ये हम लोगों ने जो है ना खड़े होके स्नोबॉल फाइट शुरू कर दी थी। ये देखें अभी आगे से भी एक गाड़ी आ रही है। हाँ रिस्क वाला तो काम है, अब और क्या करें। ये अभी बोनट के ऊपर जो है वो चार लोग बैठे हुए हैं या दो लोग बैठे हैं, ताकि गाड़ी जो स्लिप ना हो और वजन की वजह से वो ईजिली जो है ऊपर चढ़ जाए। फोटो चेक किया जी और राजा जी कितनी के देर से चलाएंगे। तो फाइनली जो है हम ये पहुंच चुके हैं मरी एक्सप्रेस वे पे। यहाँ पे जो कुछ सीन्स है ना वो अब कह लें कि अलविदाई सीन्स हैं, तो अब इधर ही जो करना है एंजॉयमेंट वगैरह बंदा करके बर्फ़ के अंदर, और फिर जाना अपना सफ़र आगे जाना घर की तरफ कंटिन्यू करे। वो चेन्स हैं जो हमने गाड़ी के टायर्स पे लगाई थी ताकि ग्रिप जो है ना वो ज़रा बेहतर हो सके, और जिन लोगों ने नहीं लगाई थी उनकी गाड़ियाँ बहुत स्लिप कर रही थी। देखें जी भाई को मस्ती चढ़ी हुई है, ये सड़े आम जो है ना रोड पर खड़े होकर कपड़े चेंज करें। देखें ये देखें ज़रा, ये देखें देखें ये देखें ज़रा, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें ज़रा, ये देखें हमजा भाई को। तो जो मेरे शूज़ हैं ना इस वक्त वो इस वक्त फुल भीग चुके हैं, और इन भाई साहब ने जो ना अपने कपड़े चेंज किए हैं, पता नहीं को क्या हराई हुई थी। तो ठीक है ना, ठीक है ना, शूज़ तुमने कहाँ चेंज करने थे। अभी खैर हम आगे जा रहे हैं और देखते हैं अगर कुछ यहाँ पे खाने पीने का स्पॉट है। तो एक्सप्रेस वैसे बिल्कुल पहली एक जो है बड़ी खूबसूरत सी जगह यहाँ बनी हुई है, स्लोपी सी, और यहाँ पर बहुत सारी स्नो है। वही जा रहे हैं आगे बड़े कपड़े छपड़े पहन के, इनको बर्फ़ पड़नी है मेरे से। बड़ी फोटो शूट खिंचवा रहा है ये जब सारे फोटो बना रहे हैं। और ये ओह आदिल भाई मिस हो गए, बुखार हो जाएगा इनको। बासित भाई किधर गए हैं? इसको पता है आगे मैंने जिंदगी में कभी इन जगहों पे नहीं आना, पूरे 200 साल का स्टार्ट इट कर। देखें बासित भाई को निशाना मारते हैं कि लगता है कि नहीं। ओह बच गए बासित भाई, हम फिर ट्राई करेंगे। ओह मिस हो गए बासित भाई। और यादव भाई बड़ी मेहनत से जाना गोला बना रहे हैं, पता नहीं किसको पढ़ना है। वैसे जिस तरह की मेरी हरकतें हैं ना तो पढ़ना मुझे ही है। तो बासित को मारने उन्होंने, हमजा को, हमजा को ये देखें, ये हमारे फोटो हॉलिक। ओह देखें जी वीडियो बना रहे, नहीं आप खुद ही खींचे, मैं व्लॉग बना रहा हूँ इनकी फोटो की। ऐसी तैसी बिस्ती, ये मैंने कैच कर लिया, ये मैंने कैच कर लिया। ये देखें जी बड़ा खूबसूरत व्यू है यहाँ का भी। मेरी आंख में गया। बेस्टी
Yellow.